कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी अजीब जिनको कि जब तक हम नहीं देखते उन पे करते नहीं हैं भरोसा। हमारा भारत बहुत गौरवशाली, बहुत समृद्धशाली भारत रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे भारत में जिनको कि हम जब तक देखते नहीं हैं, जब तक उनको समझते नहीं हैं, उन पे भरोसा नहीं करते। काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अभी भी पूजा जाता है कुछ ऐसे लोगों को जिनको कि जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया चैनल में। अभी मैं आज आपको एक ले जाने वाला हूँ एक ऐसे मंदिर, एक ऐसे धाम जहाँ पूजा जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी लोगों में बड़ी आस्था है, ईश्वर के प्रति बहुत डेडिकेशन है और वो आत्मा ऐसी है जो करती है हमेशा लोगों की मदद। हम लोग जाने वाले हैं राजस्थान के पाली ज़िले के चोटीला गांव में, जहां पर आज भी माना जाता है ओम बन्ना को। कौन थे ओम बन्ना? क्या रहस्य है उस मंदिर का? क्यों न केवल पूरा राजस्थान बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उस जगह की एक अपनी प्रसिद्धि है? आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ जोधपुर अहमदाबाद हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 62 के पास, चोटीला गांव के पास जो कि पाली ज़िले में है, वहाँ स्थित ओम बन्ना के मंदिर। वहाँ पूजा जाता है ओम बन्ना को, वहाँ पूजा जाता है उनकी मोटरसाइकिल को, वो बुलेट मोटरसाइकिल को। क्या है रहस्य उस ओम बन्ना का? क्यों लोग जाते हैं उसके मंदिर? वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं रास्ते में आपको बताता चलूँगा कौन थे ओम बन्ना, क्या है उनकी कहानी, क्यों लोगों की आस्था है ओम बन्ना में और कुछ लोग अभी भी वो उस रास्ते पर जब भी जाते हैं, कोई भी सवारी उस रास्ते पर जाती है, वो सारे लोग वहाँ पर एक बार रुकते हैं। तो बने रहिए इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया के साथ। आज हम लोग करेंगे इंडिया के एक ऐसे मंदिर के रहस्य का उद्भेदन जिसको जानकर आपको होगी बहुत हैरानी। तो आइए चलते हैं राजस्थान के पाली ज़िले के चोटीला। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये नेशनल हाईवे 62 है जो जोधपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे है और उसके ठीक बगल में ये ओम बन्ना धाम है जो गांव चोटीला में स्थित है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये ओम बन्ना धाम है और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ओम बन्ना धाम के बारे में जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ओम बन्ना एक राजपूत युवक जिनका पूरा नाम ओम सिंह राठौर वो था। राजपूतों में जो है वो लड़कों को जो है बन्ना और लड़कियों को बन्नी कहा जाता है, तो इसीलिए लोग इनको प्यार से ओम बन्ना बोलते हैं। और घटना इनकी, यहाँ पर ओम बन्ना की पूजा सारे लोग करते हैं और बहुत प्रसिद्ध है ये जगह पे। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सन 1988 में ओम बन्ना जब अपने ससुराल सांदे राव से ग्राम चोटीला आ रहे थे तो कहते हैं कि इसी जगह पर इनकी बुलेट बाइक 350 cc बुलेट बाइक का एक्सीडेंट हुआ था जो कि खाई में गिर गई थी एक ट्रक से भिड़ने के बाद, और वहीं पर उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने उस बाइक को थाने में जमा किया, जो अपनी कार्रवाई थी वो किया, थाने में बाइक को जमा किया और कहते हैं कि अगली रात ही वो बाइक फिर घटनास्थल पे चली गई। अगले सुबह पुलिस ने फिर उसको ढूंढा, उसको जंजीरों से बांधा और बहुत आश्चर्यजनक तरीके से वो बाइक फिर अपनी जंजीर को तोड़ के पुलिस के सामने से वापस उसी घटनास्थल पे चली गई। इन सब घटनाओं से पुलिस जो है और जो प्रशासन है उसने वो बाइक उसी घटनास्थल पर रख दी। जो अभी आपको बाइक यहाँ पे मिलेगी वो बुलेट 350 cc बाइक अभी भी इसी घटनास्थल पर है। और तब से कहा जाता है कि ओम बन्ना यहाँ से गुजरने वाले हर यात्रियों की मदद करते हैं और लगभग बहुत सारी दुर्घटनाएं इस रास्ते पे बंद हो गई है उनके जाने के बाद। कई सारे लोगों ने ओम बन्ना को लाइव देखा है, अपने जीवन में इस रास्ते पर ट्रेवल करते हुए लाइव देखा है और बहुत सारी कहानियां उनके बारे में प्रचलित है। अब वो कहानियां है, मिथ है या उसके पीछे कोई सत्यता है, अगर कहानियों को हम मिथ भी मान लेते हैं तो लोगों में जो धारणाएं हैं वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उनके ड्राइवर यहाँ ज़रूर प्रणाम करते हैं और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ
अपशकुन हो जाता है। तो उनके बारे में बहुत सारे मिथ भी है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए हमारे पीछे है ओम, जय श्री ओम बन्ना धाम, वहाँ चलते हैं और आगे वहीं बात ओम बन्ना धाम का प्रवेश द्वार। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ओम बन्ना थान, ये गांव चोटीला है बेसिकली, और यहीं पर वो धाम है। यहाँ पे चप्पल जूते लोग बाहर ही उतारते हैं, और आइए मैं लेके चलता हूँ आपको ओम बन्ना धाम, ये प्रवेश द्वार। और यही वो ओम बन्ना धाम है, और यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है हमेशा। आप देख रहे होंगे अखंड ज्योति यहाँ पे जलती है हमेशा ही, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं और यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ता है, मुन्ना को शराब की बोतलें भी चढ़ाई जाती हैं। और ये देखिए, कहते हैं यही वो गाड़ी है जो दुर्घटना के बाद खाई में गिर गई थी, और बार बार इसको थाने में रखने के बाद भी ये वापस जो है अपने घटनास्थल पे आ जाती थी। तो यही वो बुलेट 350 सीसी बाइक जो मुन्ना की है। काफ़ी पवित्र जगह, आप देखिए इसको, और इस बाइक का नंबर देखिए RNJ 773। इस नंबर भी RNJ 773 है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से आते हैं, और काफ़ी सारी आस्थाएं हैं लोगों के बीच। और ये देखिए ओम बन्ना की जो फोटो है, और इनकी आरती वगैरह भी इनकी होती है। मिथ है या इसमें सत्यता है, ये बहुत सारी घटनाएं लोग यहाँ के बारे में बोलते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, एक बार किसी ट्रक ड्राइवर को एक व्यक्ति ने रास्ते में रोका, उनसे निवेदन किया कि वो कुछ ईंटें यहाँ पर गिरा दें, और उसके लिए लगभग कहते हैं कि 20,000 रुपये उनको दिया। और अगली सुबह जब वो ट्रक वाला यहाँ ईंटें गिरा रहा था, और स्थानीय लोगों ने उससे पूछा तो किसने तुमको या कहा है, तो उनको ओम बन्ना की फ़ोटो दिखाई दी, और उन्होंने कहा इन भाई साहब ने कहा, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये ओम बन्ना धाम का परिसर आप देख रहे हैं, और यहाँ से जो भी सामने से गाड़ियाँ आती हैं, ये पूरा परिसर है, जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी स्पीड जो है वो आपको बहुत धीमी हो जाती है। और जैसा आप देख रहे हैं लोग भी बहुत सारे गाड़ियाँ लगा के रुके हुए हैं। जो भी कहते हैं कि इधर से जाते हैं वो एक बार ज़रूर ओम बन्ना धाम में अपना शीश जो है वो झुकाते हैं। और यही वो एक वृक्ष है जिससे टकरा के वो गाड़ी जो है वो खाई में ट्रक से टकराने के बाद गिरी थी, और इस पेड़ के चारों तरफ लोग जो है अभी भी कलावा बांधते हैं। तो काफ़ी सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ पर, और काफ़ी सारी शराब की बोतलें भी यहाँ हमें दिखाई पड़ी। तो लोगों से पूछा गया तो हमें जो पता चला कि यहाँ पर लोग शराब की बोतलें भी चढ़ाते हैं ओम बन्ना को, और उनको प्रसाद के तौर पर उसको घर ले जाते हैं, और उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी करते हैं। और ये पूरा ओम बन्ना परिसर, और ये एक धर्मशाला टाइप भी बनी हुई है यहाँ पे रह सकते हैं। और यही वो पेड़ है जो आप देख रहे थे अभी, इसी पेड़ के चारों तरफ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और धागा बांधते हैं। कहते हैं कि इस चारों तरफ धागा बांधने से गाड़ियों का जो है एक्सीडेंट्स वगैरह भी नहीं होता। और काफ़ी सारी वो जो प्रतिष्ठान इस ओम बन्ना धाम के चारों तरफ है वो ओम बन्ना के नाम से ही है, ओम बन्ना रेस्टोरेंट, ओम बन्ना शॉप, जो भी है बहुत सारी दुकानें ओम बन्ना के नाम पर ही हैं। और यहाँ पे ओम बन्ना की फ़ोटो वगैरह भी मिलती है, और कहते हैं कि ओम बन्ना के स्टैचू जो गाड़ी में लगा लेता है उसके गाड़ी के दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है।
काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस परिसर में शांति का पूरा वातावरण, पूरा धार्मिक माहौल और यज्ञ वगैरह भी समय समय पर यहाँ पर होता रहता है और यज्ञ का भी आयोजन होता है, हवन कुंड भी है अंदर। और ये ओम बन्ना धाम में, इसको बेसिकली ओम बन्ना थान बोलते हैं। और हम लोग आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको ओम बन्ना के गांव में उनके परिवार से भी मिलाएं। तो कैसा लगा आपको ये ओम बन्ना धाम और इसका रहस्य, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह आगे की कई सारे धार्मिक स्थलों के रहस्यों का उद्भेदन आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।